वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथ्स ऑफ क्लास सेवेंथ चैप्टर फर्स्ट इंटीजर एक्सरसाइज 1.A क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला जा रहा है फाइंड 36 माइनस 64 माइनस 36 आर दे इक्वल। तो पहले तो हमसे बोला जा रहा है कि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करिए, और फिर हमसे बोला पूछा जा रहा है कि क्या ये जो दो वैल्यूज़ आपने फाइंड किया, क्या ये इक्वल हैं। तो गाइस आइए हम लोग इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इक्वल हैं। तो यहाँ पे 36 माइनस 64 ये हमने लिख लिया है नंबर, और 36 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 64, और 36 प्लस 64 होता है 100। तो इस पूरे नंबर की वैल्यू कितना हुई 100। तो आइए इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ ये हो गया क्या, -64 -36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गाइस हमें ये बात पता है कि सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होते हैं, और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है। तो यहाँ पर ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे, ये दे विल एडेड टुगेदर, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 36 एंड 64 हो गया ये 100। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये 100 आ रहा है और ये माइनस 100 आ रहा है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि दिस 100 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 100, 100 माइनस 100 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब है आर दे इक्वल का आंसर क्या हो गया, नो दे आर नॉट इक्वल। तो गाइस चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको बता दूं और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद करें। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इफ़ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ़ ए इक्वल टू माइनस 9 एंड बी इक्वल टू माइनस 6 देन सो दैट ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। गाइज अगर हम लोग ये ध्यान से देखें तो ये a माइनस b b माइनस a हमें किस लॉ की याद दिखाता है, ऑर्डर प्रॉपर्टी को याद दिलाता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ की याद दिला रहा है। तो फिलहाल आफ्टर ऑल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले a माइनस b को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ a माइनस b की अगर बात करें तो a माइनस b, a की वैल्यू है -9, माइनस b की वैल्यू है -6, तो ये हुआ -9, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 6। तो यहाँ इनको आपस में ऐड वाइड किया गया तो ये आया -3। इसके बाद b माइनस a की बात करते हैं तो ये हुआ -6, b की वैल्यू -6 माइनस, और a की वैल्यू है -9, तो ये हुआ -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 9, तो हो गया फाइनली ये कितना आया 3। तो सिंस हम लोग यहाँ देख रहे हैं a की वैल्यू, a माइनस b की वैल्यू आ रही है -3, b माइनस a की वैल्यू आ रही 3, और हमें ये बात पता है कि कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं होता, मतलब -3 और 3 अलग अलग नंबर हैं, ये दोनों सेम नंबर नहीं है, इक्वल नहीं है। सिंस -3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, सो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, सो प्रूव्ड। सो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू।